अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। शेख, सवाल ये था, अगर एक घर में दो भाई रहते हैं और दोनों की मतलब फैमिली है, मतलब बीवी बच्चे हैं दोनों के, और अगर एक बकरा आएगा तो फिर वो शेख वो बकरा किसके नाम पे होगा, एक किसके नाम पे कुर्बानी होगी? शेख एक सवाल, मतलब एक पहलू ये था। और दूसरा, अगर जी तीन भाई ठीक है। रहते हैं, नहीं शेख दो कंटिन्यू होता है इसका, तीन भाई रहते हैं लेकिन एक भाई मतलब दूसरे घर में रहता है, लेकिन बकराईद के टाइम वो आ जाता है त्योहार मनाने इसी घर में, तो शेख उनका कुर्बानी अलग रहेगा कि इनके साथ हो सकता है? शेख बारकल्लाह फिक। सवाल बेसिकली भाई का ये है शेख कि जी एक एक कुर्बानी कितने लोगों की तरफ से काफ़ी होगी और कब ये कहा जाएगा कि सबकी तरफ से सुन्नते मौकदा अदा हो गई। जी तो इसमें आप ये याद रखें, ये उसूल याद रखें कि जितने अफराद का खाना पीना रहना एक साथ है, आपस में खाने पीने रहने में कोई बंटवारा नहीं है, उन तमाम लोगों की तरफ से एक कुर्बानी ये काफी है। अब कई सारे भाई ऐसे होते हैं कि खाना पीना उनका सब कुछ साथ में है, कोई बंटवारा नहीं है, उन सारे लोगों की तरफ से काफी है। लेकिन अगर मान लीजिए घर एक ही है लेकिन बंटवारा हुआ है, उसका चूल्हा अलग जलता है, उसका चूल्हा अलग जलता है, सारा हिसाब किताब अपना अलग है, तो सारे लोग फिर अपना अपने अपने कुर्बानी करेंगे, ठीक है। दूसरा जो भाई ने पूछा कि कोई दूसरा भाई है जो कहीं और रहता है कुर्बानी करने के लिए, जो है कुर्बानी के दिन आ जाता है, तो जाहिर है अगर वो कहीं और रहता है तो इसका मतलब उसका खाना पीना हिसाब किताब अलग है, जी तो फिर उसको अलग करना चाहिए। भाई जी शेख, शेख तो को किसके नाम पे होगा? एक बकरा लाए तो किसी के एक नाम पे नहीं होगा ना, सबके नाम पे कैसा बोला जाएगा? मैं ये मसला तकरीबन कई दिनों से रोजाना रिपीट करता हूँ कि ये हिंदुस्तान में होने वाली गलतियों में से एक गलती है कि लोग ये समझते हैं कि वो बकरा किसी एक के नाम से होना चाहिए। ये तसव्वुर गलत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये तसव्वुर मुताबिकत नहीं खाता है। सुन्नत तरीका ये है कि जो आदमी कुर्बानी कर रहा है, जाहिर है घर का एक गार्जियन होता है और जो अपना पैसा लगाता है, वो पैसा लगा करके कुर्बानी खरीद के लाता है, तो असल कुर्बानी करने वाला वो है, तो वो कुर्बानी करेगा, घर के दूसरे अफराद को उसमें शामिल करेगा। ऐसा नहीं है कि हर साल अलग अलग लोगों को चुन चुन के उनके नाम से कुर्बानी करना है। कुर्बानी करने वाला एक इंसान होता है जो कुर्बानी का मालिक होता है, जो कुर्बानी खरीदता है, जो उसका खर्चा उठाता है, बाकी घर के अफराद को वो सवाब के अंदर शरीक करेगा।